जी हाँ, आपको क्या दिख रहा है? 20 रुपया का नोट, 5 रुपया का नोट, 100 रुपया का नोट, 50 रुपया का नोट, 10 रुपया का नोट, 200 रुपया का नोट, 500 रुपया का नोट, 10 रुपये का सिक्का, 1 रुपये का सिक्का, 5 का सिक्का। ये किसके लिए कलेक्ट किया जा रहा है? बाबू अयांस के लिए कलेक्ट किया जा रहा है। ये जितने लोग आप देख रहे हैं, दिन भर पटना के गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, चौराहा चौराहा जा जाकर बाबू अयांस के लिए मुहिम चला रहे हैं और उनके लिए पैसा एकत्रित कर रहे हैं। इस वक्त जो भी वीडियो देख रहे हैं, आपका जो बल पड़ता है अयांस को सपोर्ट करें। अब डिस्क्रिप्शन में आप अयांस का जुड़ा हुआ सारा खाता डिटेल और अकाउंट नंबर, गूगल पे, पेटीएम सब दे दिया गया है। अब हम बारी बारी से जानेंगे कि क्या क्या परेशानी हो रही है कलेक्शन करने में, बताइए क्या क्या दिक्कत हो रही है। परेशानी करने बच्चे लोग कोई दिक्कत नहीं, जिसको जितना सपोर्ट है वो सब कोई देता है, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया। हमको कलेक्शन करके अयांस बाबू को बचाना है। आप अयांस के प्रति इतना लगाव क्यों रखती हैं? बस पता नहीं क्यों अयांस के, हम लोग सोशल मीडिया से जुड़े रहते, देखे हम लोग तो हम लोग को लगा कि सर फेक न्यूज़ है, लेकिन फिर हम इनको देखे, फिर एक पवन जी रूपसपुर का, उनसे पूछे तो हम लोग को अचानक दिमाग में, मेरे माइंड में आया, हम अपने बच्चे लोग को बोले कि तुम लोग सपोर्ट करो, हम घर में रहेंगे। तब मेरे बच्चे लोग, तीनों चारों बच्चा है, मेरी गोतनी है और बच्चे लोग, मोहल्ले के बच्चे लोग को सपोर्ट करके हम लोग ये मदद करने के लिए अयांस के लिए निकले हैं। अयांस के प्रति इतना लगाव क्यों हो गया आपको? बच्चा है इसीलिए, हम लोग का भी बच्चा है इसलिए लगाव हो गया है, सबको लगाव हो जाता है बच्चा लोग से, इसलिए कि वो एक बच्चा है माँ के लिए, इसलिए लगाव हो जाता है। अयांस को लेकर जो मुहिम चला रहे हैं, ये डोनेशन का कैंप कब तक चलाते रहेंगे, कब तक पैसा मांगते रहेंगे? जब जब तक वंश के मतलब जिंदगी रहे, भगवान करे सब दिन रहना चाहिए। 16 करोड़ इंजेक्शन जब तक जमा ना हो, पैसा जमा ना हो, तब तक मुहिम चलते रहेगा। जी हाँ, आप देख सकते हैं तस्वीर में कितने सारे लोग हैं जो पटना के हर गली जा रहे हैं और सिर्फ एक ही तमन्ना है कि 16 करोड़ रुपया का इंजेक्शन आ जाए। आपका जो मुहिम चला रहे हैं, ये कब तक चलता रहेगा आपका? जब तक कलेक्शन पूरा ना हो जाए। हाँ, जब तक अयांस को इंजेक्शन ना मिल जाए, हाँ, तब तक हम लोग कलेक्ट करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? जी हम लोग जस्ट बगल के हैं। बगल से हैं आप बताइए आप क्यों अयांस की इतना मदद करना चाहती हैं घर द्वार छोड़कर? अयांस एक बच्चा है, मेरे भी बच्चे हैं सर, हम इसलिए अयांस की हेल्प करना चाहते हैं। हम लोग डेली निकलते हैं कि उसका कम से कम 16 करोड़ जिस किसी तरह हाल में उसका जमा हो जाए। ये आप कहाँ से आई हुई है? जी हम गया से आए हैं, घर तो यही है बट वहाँ जॉब करते हैं, मेरा न्यू ज्वाइनिंग है, वहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरह से अयांस की मदद हो। हमने वहाँ सर से बात किया है और वो लोग बोले हैं कि हम मदद करेंगे, और आज कुछ मतलब हम वहाँ से अमाउंट लाए हैं, वहाँ से मतलब बहुत मतलब जितना बना उतना हम गूगल पे फ़ोन पे करवाए हैं और कुछ कैश हम लोग लाए हैं। जी हाँ, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये बच्चा देख लीजिए अयांस, और जो अब सोशल मीडिया जो अफवाह उड़ा रहे हैं कि अयांस नहीं रहा, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए और जान लीजिए अयांस जीवित है और स्वस्थ है, और आपकी दुआ रही ना जल्द से जल्द 16 करोड़ रुपया का जो मुहिम चल रहा है वो पूरा होगा। आप कहाँ से आई हुई हैं? पड़ोस के हम लोग। इतना क्या लगाव हो गया अयांस से जो आप सब चीज़ छोड़कर अयांस के लिए डोनेशन में लग गई हैं आप? सर अयांस छोटा बच्चा है, हम लोग छोटे छोटे हेल्प करेंगे तब उसका अमाउंट पूरा होगा, इसलिए हम लोग मिलकर जुड़कर सब लोग अमाउंट पूरा कर रहे हैं, डोनेशन मांग रहे हैं सबसे। डोनेशन मांग रहे हैं, क्या लगता है बाबू अयांस बच जाएगा? हाँ, क्यों नहीं बचेगा, हम लोग इतने मेहनत कर रहे हैं तो क्यों नहीं बचेगा, एकदम बचेगा। क्या लगता है बाबू अयांस बचेगा? यस सर बचेगा एकदम आराम। झूठा अफवाह रहा उसको क्या बोलोगे, बोला कि अयांस रहा नहीं? अयांस रहेगा और है भी हम लोग के सामने, है ना, जीवित है ना? हाँ जीवित है और स्वस्थ है। स्वस्थ है ना? हाँ। देखिए बच्चा भी देखा है स्वस्थ है। इस तरह का मुहिम पूरे बिहार में चलाया जा रहा है, सिर्फ मैं पटना के सिर्फ दिखा रहा हूँ कहानी इसलिए कि अभी मैं अयांस से घर पर बैठा हुआ हूँ, लेकिन इस तरह का जो ये जो डोनेशन बैंक जो बनाया गया है हर जिला में घूम रहा है, और हम आशा करेंगे सिर्फ बिहार में नहीं पूरे भारत में ये चले, चूँकि अयांस सिर्फ बिहार का नहीं देश का बच्चा है, ये भारत का बच्चा है, और पूरे भारतीयों को फर्ज बनता है कि अयांस को मदद करें, हो सके इस वीडियो को इतना वायरल करें ताकि हर भारतीयों के दिल में अयांस के प्रति प्यार जगे। धन्यवाद।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।